कला प्रेमियों का हरियाणवी फोक एचडी चैनल पर चल रही सांग श्रृंखला की इस कड़ी में स्वागत है, अभिनंदन है। सांग श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी देखेंगे दादा गुरु चंद्रबादी जी की प्रणाली से कला प्रेमियों के दिलों की धड़कन, सभी के दिलों पर राज करने वाले आदरणीय श्री सूरज जी बेदी द्वारा सांग अजीत सिंह राजवाला की प्रस्तुति। सभी के दिलों पर जो छाप छोड़ी वह अमर है। इन्होंने उपस्थित दर्शकों के भरपूर मनोरंजन के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति की प्रमुख गायकी जैसे निहाल दे, चंबोला, बहर तबील, दोहा, असावरी, सोहनी, लावणी तथा अली बख्श जैसी प्रमुख गायकी को मंचित कर सभी को भाव विभोर तथा मंत्रमुग्ध किया। आयोजित सांग अजीत सिंह राजवाला के अंदर आप देखेंगे कि बहुत बहुत अच्छी रागनी आपको सुनने को मिलेगी। उन्हीं में से एक रागनी है, हिर नहीं पटा भेद बीच में, क्यों गाड़ी तलवार तने, तलवार नहीं ओ धर्म का कट्टा, समझाऊं मेरी नार तने। इस प्रकार की बहुत रागनियां आप इस सांग में सुनेंगे, तो कृपया आनंद उठाइए सांग अजीत सिंह राजवाला का। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। धीरे धीरे चलती है।
चार दुखों को सती पहला दुखिया रोग भरी काया, पहला दुख या रोग भरी काया। इस काया ये काया पहला सुख है और पहला ही दुख है। काया सुखी है तो बिल्कुल सारा सब कुछ सुखी है, काया दुखी है तो कुछ नहीं अच्छा लगता। पहला दुख या रोग भरी काया, दूजा दुख घर में ना हो ओ फूड़ नारी। फूड़ में जानो ना कि आदमी आया खेत में तो काम करके या दुकान पे तो आया या दफ्तर में तो आया, आके घर में बोले अरे काले की मां रोटी दिए और काले की मां पड़ी पड़ी बताओ है पैर के लग में धरी तार पैती जा दुख हो फूड़ नारी, चौथा दुख हो पुत्र जुहारी। अरे कितने बेटे हैं अक्षयार के काम करें तेरे बालक, अगे एक तो शराब पी के गली में पड़े रहे कुत्ते स्वागत करते रहे उसका, और दूसरा बेटा चुगे संडे लावे पूरे हाल, तीसरा झूठ बोलने में हथक राखी, और चौथा कचहरिया के फिरे चक्कर काटता सत्तर मुकदमे सिर के ऊपर। यानी कि चार या पांच बेटे हैं किसी लायक नहीं, एक भी लायक नहीं, नालायक है, कोई फायदा नहीं चार बेटों का, एक बेटा का भी और माफी। चार प्रकार के सुख होते हैं। राजा अनार सिंह के घर में रानी और उनका बेटा अजीत सिंह छोटा सा शरीर से दुर्बल, काबुल के साथ में युद्ध छिड़ गया, काबुल के युद्ध में मारे गए। रानी सभ्यवती अपने पुत्र को अजीत सिंह को सुरंग के रास्ते से लेगी बचाकर, जैसलमेर के अंदर आ गई, एक झोंपड़ी बना ली, अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, मेहनत मजदूरी कर दी, अपना पेट पालती, अपने बेटे का पेट पालती। मेरे बुजुर्गो कुछ दिन के बाद में वो रानी भी इंतकाल कर जाती है, वो भी मर जाती। अजीत सिंह अकेला रह गया, एक लाला के कुएं पे डांगरों का घास फूस करता, अपने खाने का कपड़े का गुजारा चलाता। मेरे सुनो, एक दिन की बात, लाला जी गुस्से में भर के आते हैं और आकर के देखते हैं कि डांगरों का घास फूस सही प्रकार से नहीं करे अजीत सिंह ने। अजीत सिंह से पूछते हैं, अरे अजीत सिंह मेरे डांगरों का घास फूस क्यों नहीं किया? गुस्से होते हैं, उसको अच्छी बुरी कहते हैं। यहां से सांग शुरू है, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि पहला दिन एक जय का नारा जोर से बोलना, गौ माता की जय की आवाज जहां तक चली जाएगी धर्म कायम और पाप नष्ट हो जाएगा। ये दादा लक्ष्मी ने कहा था कि गौ माता की जय की आवाज जहां तक जाएगी धर्म कायम और पाप नष्ट। 33 करोड़ देवी देवता गौ के रोम रोम के अंदर वास करते हैं। गौ की जय की आवाज जोर से बोलना, बोले गौ माता की। नहीं मजा नहीं आया, जोर से बोलो। जो इनके नहीं बोले वो बात, जो इनके ना बोले वो बात, वह कौन सी? अपनी बहू का बेटा। और जिसका बहू ना हो, जिसका बहू ना हो फिर साडा पुत्र। जोर से बोलना, बोले गौ माता की, गौ माता की। लाला जी अपनी शिकायत से पूछते हैं जी सिंह कहां गया, क्या होता है? सुनिए, यहां से सांग शुरू है। सांग का नाम है अजीत सिंह राजवाला। अजीत सिंह का बच्चा किधर है? अजीत सिंह का बच्चा? हाँ। तने पता होगा तेरे पास मरा है, मैं तो कहाँ मरा हूँ? कहाँ मरा है? तने खराब कर रखे हो। मने खराब क्यों कर दिया? उसकी आदत मीठी कर रखी। मीठी? हाँ, तू उसने गुड़ खोवा। गुड़? मेरी बात सुन ले नाच के। हाँ। उसके माँ बाप तो है नहीं। अच्छा। मैं उसका माँ का भी प्यार करूँ, बाप का भी करूँ। अच्छा। वो बालक से रोटी मांगे मैं दे दूँ उसने गुड़ ला के। अच्छा, खुआ दे। इन बता किधर रहा हो? वो काम करने जा रहा। तूने काम पे भेजा था? अच्छा। देख ले बालका के साथ कुएं पे खेल रहा होगा। ठीक है, मैं ले आऊं। ठीक है। अरे मका मका मका, ओ ओ अजीत सिंह के बच्चे।
ਇੱਥੇ। ਹੈਲੋ ਓ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੇ ਬੱਚੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇਰੀ, ਦਸ ਬੀਸ ਪਚਾਸ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਈ? ਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਂ ਡਾਂਗਰੋ ਕਾ ਘਾਸ ਫੂਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਖੇਲਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਗਿਆ ਥਾ, ਖੇਲਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਗਿਆ ਥਾ, ਡਾਂਗਰੋ ਕਾ ਘਾਸ ਫੂਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਥਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਡਾਂਗਰ ਜੁਗੜ ਜੁਗੜ ਲਖਾਣ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਭੁੱਖੇ ਤਿਸਾਏ ਮਰ ਗਏ। ਆਰਾਮ ਕਾਦੇ? ਤਿਸਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਗਿਆ ਥਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਕਾ ਤਿਸਾਏ ਮੈਂ, ਆਰਾਮ ਕਾਦੇ, ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਪੜ ਦੂੰਗਾ। ਰੋਟੀ ਦੇਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵਾ, ਕਿਆ ਖਾਤਰ ਦੇਵਾ ਭਾਈ, ਡਾਂਗਰਾ ਖਾਤਰ ਦੇਵਾ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹੀਣੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਠੱਡੇ ਕੀ।